Hey guys, welcome back to another video. So guys, कैसे हैं आप सब? I hope extremely well. So guys, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं UK की न्यू इमिग्रेशन पॉलिसीज के बारे में. एंड इन पॉलिसीज के मुझे टू पॉइंट्स बहुत अच्छे लगते हैं. पहले UK में हुआ क्या करता था, वर्क वीजाज के लिए एक लिमिट या कोटा सेट था, बट अब वो कोटा हटा दिया गया है. सो अब कोई कोटा नहीं है वर्क वीजाज अलॉट करने के लिए. सेकेंडली, पहले आपको SOL जॉब्स में ही एप्लीकेशन करनी रहती थी. SOL मतलब शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट. जिन भी जॉब्स की यूके में कमी है उन्हीं ऑक्यूपेशंस में आपको जॉब के लिए अप्लाई करना रहता था, बट अब आप SOL के अलावा भी अदर जॉब्स के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं. तो ये दो पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे. सो गाइज, यूके ने पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम इन्फोर्स किया गया है, जो कि 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट होने वाला है. एंड इस सिस्टम से न्यू इमिग्रेंट्स को वर्क वीजा आसानी से मिल जाएंगे. सो ये बेसिकली उन प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स को हेल्प करने वाला है जो कि स्टेम बैकग्राउंड से रिलेटेड है. फॉर एग्जाम्पल, स्टेम मीन्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स बैकग्राउंड अगर आपका है तो आपको इजीली वर्क वीजाज मिलेंगे एंड PR के चांसेस भी आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे. एंड ये सिस्टम अदर कंट्रीज में भी फॉलो किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड कैनेडा. बट वहां के सिस्टम से UK का जो ये पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम है वो क्वाइट ईजी है. सो बेसिकली पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम से UK ओनली स्किल्ड एंड टैलेंटेड वर्कर्स को वर्क वीजा देना चाह रहा है. ताकि इस सिस्टम का नाम है पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम, तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि ये किसी चीज पॉइंट से रिलेटेड है. सो गाइज, येस, इसमें हमें 130 में से 70 पॉइंट स्कोर करने रहेंगे, तभी आप जाके इस सिस्टम के लिए एलिजिबल हो पाएंगे. सो अब हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज देखने वाले हैं. सो हमें 130 में से 70 मार्क्स स्कोर करने हैं. सबसे पहला इसका एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास जॉब ऑफर लेटर हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड UK एम्प्लॉयर से, तो आपको इसके 20 पॉइंट्स मिलते हैं. सेकेंड पॉइंट आता है इसका कि आपकी जो जॉब हो वो स्किल्ड जॉब हो, लाइक मैंने बताया था स्टेम फील्ड की जॉब हो, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स या इंजीनियरिंग फील्ड की जॉब होगी तो उसके लिए भी आपको 20 पॉइंट्स मिल जाएंगे. थर्ड इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग पर भी यहाँ पर पॉइंट्स मिलने वाले हैं. तो अगर आप IELTS देते तो वेल एंड गुड, इससे आपके 10 पॉइंट्स और इंक्रीज होंगे. इसमें आपके ऑफर्ड सैलरी के भी पॉइंट्स है, तो अगर आपकी सैलरी 20,000 एंड इसमें मिनिमम सैलरी आपकी 20,480 होना चाहिए. अगर आपकी सैलरी 20,480 से लेकर 23,040 है तो आपको 0 पॉइंट्स मिलेंगे. सेकेंड केस, अगर आपकी सैलरी 23,040 से लेकर 25,600 है तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे. अगर आपकी सैलरी 26,000 से अबव है तो इसके आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे. एंड गाइज, अगर आपकी जॉब शॉर्टेज ऑक्यूपेशन की लिस्ट में आती है तो आपको उसके भी 20 पॉइंट्स मिलेंगे. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो अगर आपने PhD कंप्लीट करके रखी है रेलेवेंट फील्ड में, जिस फील्ड में आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको उसके 10 पॉइंट्स मिलेंगे. एंड अगर आपने PhD कंप्लीट की है स्टेम फील्ड में तो आपको उसके 20 पॉइंट्स मिलेंगे. सो गाइस, टोटली आपको 130 पॉइंट्स में से 70 पॉइंट्स स्कोर करने रहेंगे, तभी जाके आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो पाएंगे. एंड गाइस, इस प्रोग्राम से बहुत सारे प्रोफेशनल वर्कर्स, स्किल्ड वर्कर्स की हेल्प होने वाली है, एज वेल एज स्टूडेंट्स की भी हेल्प होने वाली है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की. गाइज, अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. सो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही हो. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय, टेक केयर.